राजगढ़ लोकसभा के राघवगढ़ में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने रविवार को रोड शो किया। चुनाव प्रचार के अंतिम चरण में मुख्यमंत्री जनता के बीच पहुंचे। रोड शो में भारी जनसैलाब उमड़ा। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा, राघवगढ़ का माहौल बदलने के लिए जनता तैयार है, यह बताने के लिए इशारा काफी है। इस दौरान सीएम ने कांग्रेस प्रत्याशी दिग्विजय सिंह पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष के नेता देश के दुश्मनों को जी कहकर संबोधित करते हैं, हमारी सेना का अपमान करते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक पर भी सवाल उठाए। हमारी सेना दुश्मन को जवाब देने के लिए सक्षम है, सर्जिकल स्ट्राइक इसका जीता जागता प्रमाण है। स्वीकार किया और हुंकार भरी, आप मुझे वोट दो, पूरे देश से आतंकवाद समाप्त करूंगा। जनता की चोट याद करो, 2014 के बाद कहीं आतंकवादी घटना हुई तो बताओ, कहीं आतंकवादी घटना नहीं हुई और भूल से पाकिस्तान ने कर ली। यही भाई साहब ने चुनाव में आया थी, ये चिल्ला चिल्ला के टीवी पे कह रहे थे, कहां सेना ने पाकिस्तान में कुछ नहीं मारा, कहां मरे, कोई मरा के नहीं मरा, कोई था ही नहीं। इनसे पूछे कि हमारी सेना मारने जा रहे, उसके पहले तू उनके साथ चाय पार्टी कर लेते बेटा, वहीं बैठ जाते, तुम चले जाते वहां। हमारी सेना के जब बम गोले गिरते तो बताते थे कि वहां बम गोले गिरे कि नहीं गिरे। आप सेना का अपमान करो, आप आतंकवादियों के मरने में खुशी मनाओ, आप नाराज होगे, पूरे देश को लज्जित करोगे, तुम मरना चाहिए अगर आप ये बात करते हो। मुझे तो शर्म नहीं आती, ऐसे कैसे लोग हैं, चुनाव में आकर हिम्मत कर रहे हैं, चुनाव लड़ने की हिम्मत कर रहे हैं।